हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों। 12 और 19 मार्च में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है ना, घबराहट बढ़ती जा रही है। और सबसे ज़्यादा घबराहट किन लोगों की बढ़ रही है, वो बच्चे जो सब कुछ पढ़ चुके हैं लेकिन लास्ट में समझ में नहीं आ रहा, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट दे करके ट्राई कर लेता हूँ या कर लेती हूँ कि मेरा स्कोर क्या आ जाता है। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको वहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 115 हो रहे हैं, या फिर कई बार 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि आप 212, 220 ये स्कोर पर जा रहे हैं। और आप जहाँ पर जिनके साथ आप टेस्ट दे रहे तो वहां पे आपको यह भी बोला जाता है अक्सर जगह पे कि अगर आप हमारे टेस्ट में 250, 260, 260 नंबर नहीं ला पा रहे हैं, 250 से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि उस एग्जाम में कुछ नहीं होगा। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। दूसरी बात कि सर, इस एग्जाम के अंदर सेफ स्कोर क्या रह सकता है, ये सबसे बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि रीट के अंदर भी आपको पता होगा रीट वाले अब पछता रहे कि काश हम उमेश सर की उस टाइम पे बात मान लेते, तुक्के मार के नहीं आते। जो आपको बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं ना, वो कोई साथ नहीं देता, बाद में बड़े बड़े कट ऑफ भी वही बना करके आपको डराते हैं। तो ये चीज़ आपके साथ भी ना हो, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तीसरी बात, मॉक टेस्ट और ये जो आपकी एग्जाम होगी उसके अंदर रियलिटी क्या है, उस चीज़ को समझाने वाला हूँ, तो शॉर्ट के अंदर सारी चीज़ें क्लियर कर सको, वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आप अपने कैरियर को लेकर, किस एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं और सिर्फ टाइम पास करने आए हो, कुछ सुना नहीं पूरा और बस यहाँ से यहाँ बकवास करके चले गए, तो उसमें आप लाइफ में यही करते चले जाओगे। अगर सीरियसली कुछ करना चाहते हो तो इन बातों के ऊपर जरूर ध्यान दे लीजिए। पहली बात मैं आपको बता रहा हूं कि सेफ स्कोर पे जाने से पहले आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, देखिए आप कहीं से भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको हमेशा मना करता हूं कि एग्जाम के लास्ट टाइम में आप मॉक टेस्ट देना बंद कर दीजिए। उसके दो रीजन है। पहली बात तो ये एग्जाम आपकी ऑफलाइन है, आप ऑनलाइन दे रहे हो, तो दोनों के अंदर जो आप माइंड सेट करते हो उन दोनों में बहुत दिन रात का फर्क होता है। आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो और ऑफलाइन दोनों एग्जाम देते हो, उनमें दिन रात का फर्क होता है, जिससे भी आपको ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। दूसरी बात कि मॉक टेस्ट के अनुसार ही आपको लगता है, सब ये बोलते हैं कि हमने उसी के ओरिएंटेड बनाए, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, कोई भी हो, लेकिन मैं आपको हमेशा मना करता हूं। देखिए मैं चाहूं तो मेरा भी आपको टेस्ट सीरीज बना करके दी हुई है, लेकिन मैंने बोला था हमेशा और यही बोलता हूं कि आप एग्जाम से एक महीने पहले कोई टेस्ट सीरीज देनी है तो दे लीजिए, लेकिन लास्ट टाइम नहीं, मैं खुद मना करता हूं। लॉस तो मुझे भी होता है ना, अगर मैं भी सबकी तरह सोचता हूं तो मैं आपको बोलूं कि मेरा मॉक टेस्ट दे लो, लेकिन नहीं, एक स्टूडेंट के साथ कभी भी किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए, ये मैं हमेशा सोचता हूँ। अगर आपको दे करके देखना है तो एक टेस्ट मैंने भी फ्री दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको नहीं बोलूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं आप बताइए, इतने टीचर्स के द्वारा मॉक टेस्ट बनाए हुए, तो आप सबके ज़्यादा करके देखेंगे तो सब कुछ में कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा ना, तो आप कहाँ कहाँ जा करके आप अपने आप को कोसोगे कि तूने ये नहीं पढ़ा, तूने ये नहीं पढ़ा, तूने वो नहीं पढ़ा। इस चक्कर में आपको जो कुछ आता है ना, आप उसे भी बर्बाद कर लोगे। तो अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या करते हो। अगर आप मॉक टेस्ट देना ही चाहते हो तो आप ऑफलाइन कोई जो नोटबुक मार्केट में मिल रही है ना, आप उनसे टेस्ट दे करके देख लीजिए, लेकिन फिर भी आप डिमोटिवेट होंगे, इसलिए मैं आपको एक बार मना करूंगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, मेरा ही टेस्ट क्यों ना हो, आप मत दीजिएगा अगर आपका परचेज किया हुआ तो भी, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि आप 240 यहां ले के आ पाओगे, यानी 120 क्वेश्चन कर पाओगे 150 में, तो ये आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे, या फिर 260। देखिए मैं एक चीज आपको क्लियरली मेंशन कर दूं, अगर मैं मॉक टेस्ट वर्सेज रियल एग्जाम की बात करूं ना, इन दोनों में दिन और रात का फर्क होता है, क्योंकि एग्जामिनर जो एग्जाम बनाएगा ना, उसमें एक अलग माइंडसेट होगा। यहाँ पे जो एक होता है, एक कल्पनाओं के आधार पर जो चीज़ें बनाई जाती हैं, हो सकता है आप इस टेस्ट में, मैं कह रहा हूँ काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे, आप इन टेस्ट के अंदर 110 या फिर 100 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे जहाँ आप टेस्ट दे रहे हो, लेकिन वहाँ पे आप 120 क्वेश्चन कर पाएंगे। डिपेंड करता है कि आप खुद पे कितना विश्वास करते हो, आप कितना कॉन्फिडेंट होकर के एग्जाम दे रहे हो, लेकिन इन सब के चक्करों में आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो, ये गलती मत करो। रीट वालों ने ये गलतियाँ की थी, कहीं से भी किसी भी मॉक टेस्ट से एक क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिला, इसलिए डिपेंड आप पे करता है। देखिए मैं बुरा लगता हूं क्योंकि मैं कड़वा बोलता हूं, ठीक है, लेकिन कड़वा करेला भी होता है और वो चीज आपके लिए बहुत लाभदायक होती है, लेकिन बाद में पता चलता है हमें, इस चीज को जरूर समझ लीजिएगा। इन चक्रों में खेलना बंद कर दी। हाँ, लास्ट टाइम मैं आपको करना क्या है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे, जिन भी टीचर से जुड़े हुए ना, तो आप उनकी क्लासेज भी नहीं देखना है, बस आपको करना क्या है, उनके जो बनाए गए नोट्स जो आपको दिए गए या फिर वो आपको जो प्रिंटेड या हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा उनको पढ़िए, फिर आपके खुद के बनाए हुए उनको पढ़ लीजिए। अगर आप लोगों के पास वो चीजें अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको बता दूं, हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, स्पेशली हाईकोर्ट एलडीसी के लिए मैंने एक कॉम्बो पैक बनाया, जिसके अंदर आपका राजस्थान जीके पूरा का पूरा, इंडियन ज्योग्राफी, इसी के साथ में हिंदी इंग्लिश के जो टॉप टॉप क्वेश्चन है, जिनको आपको लगे कि हमें इन चीजों को एक बार पढ़ लेना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने, लेकिन वो मॉक टेस्ट टाइप में नहीं है, ये सारे एक आपके हैंड रिटन नोट्स हैं या फिर आपके टाइप की हुई चीजें हैं जिनको आप खुद से पढ़ सकते हैं। और शॉर्ट टाइम के अंदर अगर आप लास्ट की
भी 4 दिन में भी करते हैं तो इस पूरे जो सिलेबस में मैंने जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करें उनको कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था ना, इसके अंदर आपको बताया कि राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहले भी मैंने आपको जो राजस्थान में प्रथम से रिलेटेड जितने पॉइंट है वो हो, ठीक है, राजस्थान के टॉप 1000 क्वेश्चन, इसी के साथ में राजस्थान से वन लाइनर क्वेश्चन, 2000 जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो सब कुछ मैंने इसमें दे रखा है। लेकिन मेरा एम है कि आपके साथ कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए। मुझे जब ये फील हुआ कि राजस्थान ज्योग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका जीके में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर करंट अफेयर के जो 19 से 20 क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको फरवरी तक का प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जुलाई 21 से। तो आप सोचिए कि आपको 1.5 से 1.5 साल तक का पूरा करंट अफेयर, राजस्थान, इंडिया, इंटरनेशनल सब कुछ। और सबसे बड़ी बात, आज ही जो राजस्थान ज्योग्राफी के 500+ जो क्वेश्चन लॉन्च हुए हैं, जिसमें स्पेशली आपके लिए अभी 200+ क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं जो आपके लिए स्पेशल होंगे। तो ये इसमें सब कुछ है। राजस्थान हाईकोर्ट का जो कॉम्बो पैक है ना, जिसके अंदर अंतिम प्रहार और जो एक पहले वाला कॉम्बो पैक था वो दोनों ऐड कर दिए गए, तो एक तरीके से ये अंतिम युद्ध है आपका, ठीक है। इस कोर्स को आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि फिर भी मुझे कुछ खुद को प्रूव करना है तो आपको मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो यहाँ पे आप उनका प्रिंट आउट लेकर के एक ऑफलाइन एग्जाम की तरह उनको ट्राई कर सकते हैं अगर आपको लगे तो। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि उनको एक एग्जाम में पढ़ने के तरीके से आप टिक लगा करके उनको पढ़ पढ़ करके इस चीज़ को कंप्लीट कीजिए। मैं एक चीज़ आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, इन चीज़ों को पढ़ने के बाद आप इतना कॉन्फिडेंट तो हो जाएंगे कि हाँ, एक हाईकोर्ट के एग्जाम पैटर्न के आधार पर ही ये चीज़ें तैयार की गई है, जहाँ पे आप चाहे तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा ही यहाँ पे पढ़िए, बस मॉक टेस्ट आप चाहे मेरा हो चाहे कोई का भी हो, किसी का मत दीजिए, चाहे आप किसी भी टीचर के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं आपको लगे कि सर आप अपने लिए बता रहे हो, नहीं, मैं सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए मना कर रहा हूँ, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर कोई भी आपको ये बोल रहा है कि इतना स्कोर मॉक टेस्ट में आ रहा है तो ही आप एग्जाम कर पाओगे, ऐसे लोगों से हाथ जोड़ लो, नहीं तो आकर के इन हाथों को आप यहाँ लगा करके रोते हुए मिलोगे कि काश मैं खुद पे विश्वास कर लेता किसी और पे करने से अच्छा, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात आपकी है कि सर हम एक सेफ स्कोर क्या लेकर के चले। देखिए, सेफ स्कोर बहुत मायने रखता है। मैंने रीट का एग्जाम्पल क्यों दिया, रीट वाले बहुत बच्चों को समझाया था। अब आपको तुक्के मारने वाले बहुत मिलेंगे जो यहाँ पे भी रीट में मार के आए, बहुत लोग ऐसे बताते हैं क्योंकि मैं इसका रिव्यू भी करता हूँ और आपका भी 12 और 19 को दोनों को रात को एग्जाम देने के बाद मैं रिव्यू करूँगा लाइव कॉल से, यूट्यूब पे कोई ऐसा नहीं करता है। तो मैंने पहले बताया था कि अगर आप मुश्किल से RSMSSB का जो पैटर्न है आप 100 क्वेश्चन तक भी, 90 to 100 तक भी अगर श्योरिटी से जाए तो रिस्क मत लेना। बच्चों ने वो गलतियां की और आज भुगत रहे, क्योंकि उनको ये बताया था सभी ने जिनको वो फॉलो करते थे कि कम से कम 120 और 130 क्वेश्चन करके आना, नहीं तो कुछ नहीं होगा, और वो आज पछता रहे कि वो माइनस में आ गए। यही चीज़ आपको कह रहा हूँ, आपके माइनस मार्किंग तो नहीं है लेकिन वहाँ एग्जाम का जो प्रेशर है वो आप डिप्रेस हो जाओगे और जो गलतियाँ नहीं करनी जो क्वेश्चन आते में वो भी गलत कर दोगे। बस मैं आपको इतना सा कह रहा हूँ। एक और आगे की बात है, आपको आए तो पूरे तो 150 करने, लेकिन कोशिश अगर आपको ये लग रहा है वहाँ एग्जाम के अंदर, आप जनरल OBC, ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार, मैं इसको साथ लेकर के चलो, जनरल OBC कैंडिडेट, और अगर आप 120 क्वेश्चन भी आपको लग रहा है ना, इवन 115+ भी, 120+, देखिए हर बार जरूरी नहीं होता है कि कई लोग आपको बोल रहे कि इसमें आपके अच्छे मार्क्स नहीं तो आप टाइपिंग कितना भी कर लो नहीं हो पाएगा, ये सब बकवास है, ठीक है। पहले आप अगर 120 तो कम से कम ये सोचो कि अगर इतने आप सही करें और वहाँ डिप्रेस हो गए तो जो आ रहे वो भी गलत कर दोगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप चाहे तो 140 करो, 150 करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम यहाँ अगर सेफ्टी से पहुँच जाओ तो डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ में अगर मैं यहाँ पे मेल फीमेल को एक ही मान करके चलिएगा, अगर मैं यहाँ पे EWS की बात करूँ तो आप 115+ भी हैं तो आप टेंशन मत लीजिएगा। और दूसरी बात, अगर आप ST और SC से हैं और अगर आपको ये लग रहा है ना, इवन 110+ भी आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इवन अगर आप 105+ भी जाए ना तो भी वहाँ पे बस डिप्रेस मत होइएगा, टेंशन मत लीजिएगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही कट ऑफ जाएगी, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बस इतना सा भी अगर आप सही से कर पाए ना तो वहाँ टेंशन मत लीजिएगा, फिर फ्री माइंड होकर के अगर आप करेंगे ना, मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली आप 5-7 क्वेश्चन और सही कर देंगे। लेकिन आपको जो डरा रहे ना कि कम से कम 135 क्वेश्चन करोगे तो ही सिलेक्शन होगा, मैं कह रहा हूँ एग्जाम होने के बाद में अगर आप भी पछताते हुए नहीं मिले ना तो मैं आपको उसी लाइव में आकर के बताऊंगा कि सर टेंशन हो गई थी, ये चीज़ हो गई थी, उस वजह से ऐसा लगा कि इतने क्वेश्चन नहीं किए तो मेरा क्या होगा। इतने क्वेश्चन एक बार पहले ये फिक्स कर लेना, अगर आपके 2-4 कम भी हो रहे हैं ना तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस एक तरीके से टारगेट करके चलिए, बाकी प्लस में आप जितना भी कर सकते हैं ना उतना कर लीजिए। और एक चीज़ मेन है, जिनका कोई भी सब्जेक्ट वीक है, जिनका जैसे इंग्लिश वीक है, तो आप GK और हिंदी पे इतना काम कीजिए कि वहाँ पे जो कमी रह रही है वो आप पूरी कर सको। और मैं इतना आपको एक ट्रस्ट दिला सकता हूँ कि जो GK का मैंने मटेरियल आपको इस कॉम्बो पैक में प्रोवाइड
करवाया है ना, उसमें आपकी जीके की पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी। करंट अफेयर हो, चाहे राजस्थान जीके हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, ठीक है, सब कुछ इसमें मिल जाएगी। इसमें हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर सारी चीज़ें हैं, वो आपको एक जगह पर अवेलेबल हो जाएगी। आप चाहे तो लास्ट टाइम में आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आपको सब कुछ बहुत डिफरेंट मिलेगा और आपको खुद को विश्वास होगा कि रियल में यार एग्जाम के लिए हम क्या पढ़ रहे थे, और रियल में इस एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें यही हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर आपने भी देखे हैं। बस इतना से कहूँगा, लास्ट टाइम पे बार बार वीडियो बना करके आपको कट ऑफ के लिए ये चीज़ें नहीं बता सकता। अगर आप इस स्कोर तक अच्छे से पहुँचते, टेंशन मत लीजिएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, कई लोग बोलेंगे कि इतने से क्या होगा, कम से कम 130, आप चाहो तो 150 करो, या फिर 150 में से आप 180 करो, क्योंकि इतने ज्ञानी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, 150 में से 180 भी कर सकते हैं। ऐसे मैंने देखे हैं कई लोग जो बताते हैं कि इतने कर गया हूँ, तो ऐसे लोगों से स्पेशली बच के रहना। लास्ट टाइम पे आपको माइंडसेट अच्छा रखने की ज़रूरत है। आपको विश्वास नहीं तो यहाँ रीट वाले भी इस वीडियो को देखेंगे ना, वो खुद समझा देंगे कासम उमेश सर का ये बात मान लेते उस टाइम एग्जाम देने से पहले। जिनके पास वो वीडियो नहीं पहुँचा था, बाद में पहुँचा, उन्होंने ये बोला, ये रियलाइज़ किया कि काश ये वीडियो हम पहले देख लेते। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपको लगे कि स्टडी मटेरियल पे अगर आपको ट्रस्ट है, तो मैंने लिंक दे रखा है, डायरेक्टली आप इसको करके पढ़ाई कर सकते हो। और अगर आप लास्ट में भी सोचते रहेंगे ना, इतने रुपए में जो 400-500 रुपये, और अभी इसमें 30% ऑफ है, इतने में आप अपने सोना बाबू को पिज्ज़ा खिला देते हो, उसका रिचार्ज करवा देते हो एक बार, ये सिर्फ आप 400-500 रुपये खर्च कर देते हैं ना, तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से इतनी चार्ज हो जाएगी कि आपको कभी रिचार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद आप खुद समझदार होंगे, पॉजिटिव रहिए, ठीक है, जहाँ पर भी आपका सेंटर है अच्छे से बिंदास होकर के एग्जाम दीजिए, और कोई भी निगेटिविटी माइंड में नहीं लानी। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे भी पर्सनली, मैंने व्हाट्सएप का भी लिंक दे रखा है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे मैं आपको पल पल एक छोटी मोटी कोई चीज़ें होती है जिनको लेकर आपको घबरा होती है, मैं अपडेट करता रहता हूँ, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और उमेश शर्मा अकेडमी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और ये कोर्स स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। और हाँ, राजस्थान ज्योग्राफी अगर आपको ये नहीं लेना, तो स्पेशली ओनली राजस्थान ज्योग्राफी चाहिए, तो मैं अलग से भी इसको लॉन्च कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी जाकर के ले सकते हैं। अभी के लिए इजाजत दीजिए, उम्मीद है वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और बिंदास रहिए, टेंशन फ्री रहिए, कोई भी दिक्कत हो तो मैसेज करके बता दीजिएगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा अकेडमी को और करें अपने RPSC, SSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ।